हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशिका अग्रवाल। और कल मैं यहाँ गई थी सूरत में, वनिता विश्राम में लगा हुआ है हुनर हाट, जहाँ पे 300 प्लस शॉप हैं, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स, साड़ी, सूट एंड मोजड़ी, जूती एंड जो कोल्हापुरी चप्पल्स होती है वो है, और बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप हैं जो न्यू दिल्ली में फैंसी ज्वेलरीज मिलती है उसकी, और वुडन की बहुत सारी शॉप थी एंड टेराकोटा जो होते हैं कप्स वो सब भी मिल रहे थे, और हैंड एम्ब्रॉयडरी, चंदेरी, बहुत सारे स्टफ जो इंडियन अपना हैंडीक्राफ्ट होता है, बिहार साइड का, यूपी साइड का, पंजाब साइड का, उसका सारा कलेक्शन था। कश्मीर की पश्मीना शॉल और कश्मीर की कढ़ाई की भी सूट वगैरह का पैटर्न जो उलेन होता है, वो सारे स्टफ थे वहाँ पे। तो मैं थोड़े बहुत स्टफ अपने लिए पर्सनली लेके आई हूँ जो मुझे यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग अच्छे लगे कि मुझे यूज़ आएंगे, तो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। और बच्चों के टॉयज वगैरह भी थे जो वुडन वाले होते हैं जो पहले के टाइम पे चलते थे, तो वो सब भी थे। तो देखिए ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये देखिए हुनर हाट, यही कैरी बैग सारे जो जितनी भी शॉप जिसने लगाई थी वो लोग इसमें ही दे रहे थे। आप ये जो वेबसाइट है इस पर www.hunarhat.com पे, यहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो कि क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे। तो सूरत में ये वनिता विश्राम में लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखाती हूँ, ये देखिए मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत लाइट है, कलर बहुत वाइब्रेंट लगा मुझे इसका। इसमें और भी कलर के ऑप्शंस थे बट मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली साड़ी पसंद आई थी। तो देखिए और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ये। तो वीकेंड, मैंने अभी जैसे सोचा कि वीकेंड पे या कुछ स्पेशली कुछ छोटा मोटा ओकेज़न हो तो मैं थोड़ा साड़ी पहनना स्टार्ट करूँ, बिकॉज़ मैं साड़ी इतना नहीं यूज़ करती हूँ, बट मैं मुझे ये साड़ी अच्छी लगी इस टाइप की डेली में या ओकेज़नली वीकेंड में पहनने के लिए। तो एक साड़ी मैं ये लेकर आई हूँ, ये आई थिंक 2000-3000 के बिटवीन थी, बिकॉज बहुत सारी मैंने सामान देखे थे तो मुझे पर्टिकुलर कोई रेट याद नहीं कि किस साड़ी का कितना रेट है, बट ये 2000 या 3000 के अंदर की साड़ी है। ये वाली साड़ी मैंने जरी एंड जरी से ली है और इसका रेट था 2500 में मुझे मिली ये वाली। इसका भी कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, ये देखिए इसका आंचल एंड ओवरऑल ये वर्क है इसका, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, लाइट है। और इसका ब्लाउज ये है देखिए प्लेन। तो सेकंड साड़ी मैं ये लेकर आई, थर्ड साड़ी मैं ये लेकर आई, ये महेश्वरी सिल्क की थी ये वाली साड़ी, देखिए ये हैंग की भी थी तो मुझे ये सबसे अच्छी लगी ये वाली साड़ी। इसमें भी कलर ऑप्शन था बट मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो मैंने ये वाली साड़ी ली है। और इसका ब्लाउज पीस ये है देखिए दिस वन। तो एक साड़ी मैं ये लेकर आई हूँ, बहुत अच्छी लग रही थी, मैं लगा कर दिखाती हूँ आपको, आंचल के साइड से लगा कर दिखाती हूँ, तो मैं पहनूंगी तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, अदरवाइज स्टिच हो जाता है सारा इसका जो भी चीज़ें हैं, तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसमें शॉर्ट्स में या शॉर्ट वीडियो में मैं पोस्ट करूँगी। तो देखिए कितना अच्छा इसका प्रिंट है, तो सब ब्लॉक प्रिंट, हैंड प्रिंट सारे हैं ऑलमोस्ट। और एक ये दुपट्टा मुझे पसंद आया था, ये कोई पंजाब की शॉप थी, इसका कार्ड है मेरे पास, होगा तो मैं नीचे डिटेल डालूँगी, पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ये दुपट्टा है। ये मुझे 2400 का पड़ा क्योंकि इसमें पूरी हैंड एम्ब्रॉयडरी थी, आफ्टर डिस्काउंट पड़ा, अदरवाइज़ ये 3000 का बोल रहे थे, तो ये 2400 या 2600 का मुझे दिया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है बट कुछ डिस्काउंट मुझे मिला था इस पर। तो ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया था और इसके लिए मैं मैचिंग कुर्ती लेकर आने वाली हूँ। फिर मुझे एक ये वाला सूट पसंद आया था, ये खादी का है, ये इसका बॉटम है एंड ये देखिए ओवरऑल ये प्रिंट है इसका, आई होप दिख रहा, ये कलर भी मुझे बहुत फाइन लगा था एंड ये रहा इसका दुपट्टा इस कलर कॉम्बिनेशन में। तो ये सारे स्टफ़ वहाँ मिल रहे हैं, कोल्हापुरी चप्पल्स वगैरह भी अच्छी थी बट इतना रश था, इतनी सारी शॉप थी
ऑलरेडी मुझे 2-3 आवर्स हो गए थे और वहाँ पार्किंग भी नहीं थी, तो पार्किंग मैंने बहुत अलग की, मुझे पार्किंग खोजने में 45 मिनट्स जितना लग गया था। एक इश्यू ये है कि पार्किंग वहाँ इसलिए नहीं मिल रही है, अदरवाइज़ आप विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। फूड वगैरह भी काफ़ी हैं, वेज नॉन वेज सारे टाइप के फूड हैं, एंड कल्चर शो भी था, मतलब इवनिंग में कुछ ना कुछ शो होता है, अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं, और इनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे, हुनर हार्ट, आप वहाँ चेक कर सकते हो। और वेबसाइट मैंने बोली वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये छोटी सी शॉपिंग जो मैं अभी करके आई थी, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, 2-3 शॉप में काफ़ी अच्छे कलेक्शन है, और हर जगह आपको नहीं समझ में आएगा। और चिकनकारी का भी मिल रहा था, बट वो रेगुलर चिकनकारी है, ऐसा कुछ बहुत हटके जो अपने हैवी वाला खोजते हैं वैसा नहीं है, नॉर्मल चिकनकारी है, और मशीन वाली भी थी उसमें। और हैंड वाला आप बोलोगे तो वो दिखाएंगे, बिकॉज़ हैंड वर्क वाला जो होता है थोड़ा रेंज ज़्यादा होती, तो वो बोलने पे ही दिखाते हैं। और इसी तरह एम्ब्रॉयडरी वाला भी जो आप बोलो वो सब वो उनके पास होता है, बट वो हैंग करके नहीं रखते ना, क्या कहते हैं वो, आप पूछोगे तो ही दिखाएंगे। प्योर में भी आप बोलोगे साड़ी वगैरह तो आप बोलोगे तो ही वो दिखाते हैं, अदरवाइज़ जो रेगुलर आइटम बिकते हैं वो ज़्यादा रखा हुआ है। और फूड भी अच्छा था, मैंने बहुत सारे फूड ट्राई किए, मैं इसमें ही फूड का वीडियो इंक्लूड कर दूंगी। प्लस ये देखिए, ये मैं एक चूड़ी ये वाली लेके आई थी, ये कड़ा जो है, और चूड़ी भी लेके आई हूँ मैं, वो आपको दिखाती हूँ अभी। ये कड़ा मैं लेके आई थी, 300 का पैर है ये वाला, ये वो लाख का कड़ा जो होता है वो है, वो वहाँ पे बना भी रहे थे उनके जो कारीगर बैठे हुए थे। और जैसे आपकी साइज़ छोटी बड़ी करनी हो तो तुरंत वो छोटी बड़ी करके दे देते हैं लाख के कड़े की। तो ये कड़ा एक और लिखा है मैं, एक और दूसरा कड़ा ये है देखिए, ये रानी कलर में, और इसका ये देखिए गोल्ड का पूरा, ये मैंने मेरी सिस्टर के लिए लिया है, ये थोड़ी बड़ी साइज़ है, ये देखिए। तो ये भी लाख का कड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है पहना हुआ। बहुत सारा कलेक्शन था, बट ये और ये पैटर्न थोड़ा हटके था तो मैंने ले लिया, बाकी हैवी में भी रेंज थी उनके पास। तो ये था, और वहाँ पे फूड एंड जो प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे थे, अगर आप चाहो इवनिंग में तो वहाँ जा सकते हो। और क्या मिल रहा था वहाँ पे, हाँ, एंड मसाला, ड्राई फ्रूट्स, ये सब की शॉप भी थी, अलग अलग स्टेट के मसाले, ड्राई फ्रूट्स, अचार, ये सब आइटम भी था रेडी में। और कुल्लड़ चाय यूपी का उस वहाँ पे था, पानी पूरी दिल्ली की चाट थी, और राजस्थानी फूड में दाल बाटी चूरमा था, बिहारी एंड यूपी के फूड में लिट्टी चोखा ये था, एंड पंजाबी फूड में आई थिंक छोले भटूरे ये सब मिल रहे थे। डेजर्ट में पाइन एप्पल जलेबी रबड़ी एंड गुलाब जामुन इस टाइप के आइटम थे। नॉनवेज का मैंने चेक नहीं किया बिकॉज मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो नॉनवेज का भी सेक्शन बहुत बड़ा था। तो ये सारी चीज़ें मिल रही थी, और काफ़ी खुले स्पेस में बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत एक जगह भीड़ जमा हो रही है, काफ़ी बड़ा मैदान है, तो दूर दूर थी शॉपें। और क्रॉकरी भी बहुत मिल रही थी, बट क्रॉकरी मुझे थोड़ी कॉमन सी लगी तो मैंने इतनी नहीं ली, और प्लस मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं उसमें से सेलेक्ट करूँ, तो क्रॉकरी की भी अच्छी कलेक्शन थी। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिल रही थी, मेरा फेवरेट था ये, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था ये हैंड एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा, मुझे देखिए हाथ का काम है इसमें पता चला, पीछे देखिए थ्रेड छोड़ा हुआ ऐसे। तो ये जो दुपट्टा है इसी का ही वो बोले कि अगर आपको इसमें चाहिए तो इसकी साड़ी भी ओवरऑल बना के दे सकते हैं। तो जो भी वहाँ पे स्टॉल हैं, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अपने जब वहाँ जाएंगे वापस रिटर्न, तो वहाँ आप जो ऑर्डर प्लेस करोगे जो भी शॉप का जहाँ पे भी है, आप विज़िट करो अगर आप सूरत में हो तो वो आपको कस्टमाइज़ करके भी दे देंगे आपके अकॉर्डिंग कुछ चाहिए। तो चिकनकारी वाले सब ने यही बात बोली कि अगर आप कुछ ऑर्डर प्लेस करोगे तो हम व्हाट्सएप में डिज़ाइन दिखा के तो हम बना के दे देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो अभी जैसे जनवरी फैब में जो भी शादी वगैरह किसी घर में पड़ रही, तो आप वहाँ से अभी से अपने लिए कस्टमाइज़ करवा के कुछ बनवा सकते हो, क्वालिटी वगैरह अच्छी है वहाँ पर सबकी, और आप जो फैब्रिक बोलो वो चूज़ करेंगे, क्योंकि फैब्रिक के अकॉर्डिंग जितना प्योर होता है रेंज बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा, बस एक इशू था कि पार्किंग नहीं थी, तो इस क्योंकि बहुत लोग ऐसा नहीं वीकेंड पे ही लोग आ रहे हैं, मैं कल वीकडेज पे गई थी ट्यूसडे, तब बहुत रश था। तो आई थिंक पार्किंग के इशू की वजह से आप ऐसा कर सकते हो, आप अपना पब्लिक कोई ट्रांसपोर्ट ले लो, बट मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कोविड के टाइम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम यूज़ करो और अपना व्हीकल लेके जाओ, तो आप
अगर उस साइड जा रहे हो तो आप पार्किंग पहले से डिसाइड कर लो कि कहाँ करनी है, बिकॉज वहाँ उसके आसपास आप नहीं पार्क कर सकते हो, वहाँ से गाड़ियाँ और वो सारी बाइक्स वगैरह उठा कर ले जाते हैं एसएमसी वाले। तो एक यही इशू था, ओवरऑल और सारी चीज़ें ठीक थी। और ज़रूर उसे विज़िट कीजिए, हुनर हाट बहुत अच्छा है वहाँ पे कलेक्शन वगैरह अपना इंडियन जितना भी चीज़ें हाथ से बनाते हैं कारीगर, तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टली आपको मिल जाती है, बिकॉज़ ये सारे डायरेक्ट आए थे इनकी। ज़्यादातर मैंने सबसे पूछा आपकी शॉप कहाँ है, बोले हमारी शॉप नहीं, हम डायरेक्टली बनाते हैं और हम आए हैं ऐसे सेल करने के लिए, हमारी कोई शॉप नहीं है। तो मुझे ये बात से रियलाइज़ हुआ कि इसलिए इनका रेट भी बहुत सही था। तो ज़रूर जाए हुनर हाट, सूरत में वनिता विश्राम के पास है। मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी और जो वीडियो जो मैंने वहाँ छोटी मोटी क्लिप्स बनाई है वो मैं लास्ट में ऐड ऑन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला आए रे।